हेलो ब्रिवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज के वीडियो में बात करेंगे सीयूबीटी 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कितना आपका परसेंटाइल सेफ होना चाहिए बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ये कोर्सेस हैं, ठीक है, इन सब के लिए। इसी के साथ साथ बात करेंगे, हम लोग विश्व भारती यूनिवर्सिटी है जिसमें कई विद्यार्थियों ने पीसीएस एग्जाम दिया है। एक यूनिवर्सिटी है नागालैंड जहाँ पर केवल एग्रीकल्चर ही सब्जेक्ट मांगा उन्होंने, अगर आपने एग्जाम आपने एबीसी से दिया है और एग्रीकल्चर अगर आपका 96% ऊपर है तब नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। हमारा कट ऑफ वीडियो थोड़ा कड़वा वीडियो होता है क्योंकि यहाँ पर हम एक ही वीडियो में वो चीज़ डिस्कस कर देते हैं कि आप फर्स्ट लेकर थर्ड काउंसलिंग तक अगर आप काउंसलिंग कराएंगे, एडमिशन अगर आप पाएंगे, तो हमारे इसी कट ऑफ वीडियो में आपकी वो रैंक मिलेगी, वो परसेंटाइल होगा आपका, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना अनुभव हमारे पास में प्रीवियस ईयर आईसीआर के हिसाब से उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटाइल। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं आपकी सीट कितनी है। कुछ लोग सोचेंगे, देखिए भाई, अगर आप बात करें बीएचयू में, तो बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर की जो सीट दी गई है, ठीक है, बीएचयू में बीएससी एग्रीकल्चर की जो सीट है वो बहुत कम सीट है, केवल आपकी 154 सीट है मेन कैंपस में, 154 सीट, और जो राजीव गांधी साउथ कैंपस उसमें केवल आपकी 50 सीट, यानी 204 सीट है केवल बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर में केवल, ठीक। अच्छा, अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बीएचयू से बीएससी मैथ, बीएससी बायो करना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप के बारे में। बीएससी बायो ग्रुप में जो सीट है वो मेन कैंपस अगर आप देखेंगे तो बीएचयू में जो आपकी सीट है बायो ग्रुप में वो 383 सीट है, और एक है वहीं पर महिला महाविद्यालय MMB महिला महाविद्यालय, इसमें सीट है वो 193 सीट है। तो कुल मिला के 586 सीट है वो आपकी बायो ग्रुप वालों के लिए। मैं अगर बात करूं बीएससी मैथ ग्रुप के लिए, बीएससी मैथ ग्रुप के लिए, तो यहाँ जो आपकी सीट दी गई है मैथ ग्रुप के मेन कैंपस में जो सीट है वो है 573 सीट है, जो सीट आपको जानना जरूरी है। इसके बाद हम अगर बात करें जो महिला महाविद्यालय यहाँ पर मैथ ग्रुप की सीट है वहां पर केवल 96 सीट है। तो कुल मिलाकर जो सीट है मैथ ग्रुप की टोटल वो 669 सीट करीब जो है ये आपकी सीट है यहाँ पर, ठीक, इतनी सीटें हैं। चूंकि सीट अगर जानकारी नहीं है तो लग रहा शायद अंदाजा नहीं लगेगा, अंदाजा आपको हमारा सिलेक्शन होगा नहीं। अब बीएचयू में हर बच्चा चाहता 90%, जितना फॉर्म भरा सीयूटी का एग्रीकल्चर के लिए वो 90% बच्चा ये चाहेगा कि हम वास्तव में बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर ही करें, और सीट केवल इतनी है। इसमें भी कैटेगरी डिवाइड है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सबके लिए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो कट ऑफ सबसे है जो कट ऑफ बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर जाएगी वो सबसे हाईएस्ट जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इस हाईएस्ट कट ऑफ में अगर बात करूं यहाँ पर कितना परसेंटाइल आपका सेफ होना चाहिए, हमारा थोड़ा वीडियो कट ऑफ का कड़वा रहता है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये आपको अभी शायद हो सकता खराब लगे, लेकिन काउंसलिंग अगर होगी, अगर आप बीएचयू सिलेक्शन पाएंगे तब भी इस कट ऑफ को याद करेंगे, और आप नहीं पाएंगे तब भी आप याद करेंगे, ठीक। तो हम पहले यहाँ पर बात करते हैं आपकी परसेंटाइल कितना होना चाहिए बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर। देखिए, मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जनरल के लिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपका परसेंटाइल 99% प्लस है, अब यहाँ पर हो सकता है 90.4, 99.5, 99.6, 99.8, हो सकता है अगर आप कट ऑफ यहाँ पर 99.99 एग्रीकल्चर में, बायो में आपका 94.8 है, मान लो केमिस्ट्री में 99 कुछ है, अगर आपका परसेंटाइल इतना है तो आप बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर जनरल कैटेगरी से आपकी इतनी कट ऑफ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसमें जानते हैं 99 के ऊपर जितने बच्चे होते हैं, मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो 400-300 ऐसा स्टूडेंट्स होगा जिसकी रैंक 99 प्लस में होगी, 99% पर होगी, ये समझ लीजिएगा। ये मत सोचो 99% हमारी वहां पर फर्स्ट रैंक होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। 99% ऐसे आप देखेंगे आपके रिजल्ट में आएगा 99.9875, इस तरीके से होता है। अब यहाँ से नंबर कमाना शुरू होता है, ठीक। अब मान लो यहाँ पर किसी बच्चे के इसमें रैंक मान लीजिएगा इसकी फर्स्ट रैंक आ गई मान लो, ठीक, तो यहाँ पर देखो आप कितना आएगा, 4, 2, 1, फिर यहाँ से डिक्रीज करना शुरू होगा, फिर यहाँ से घटना शुरू होगा, फिर यहाँ से घटना शुरू होगा, यानी कि 99 जब भी आप 98% आप आओगे तो कम से कम नहीं तो यहाँ पर 500-700 रैंक का फर्क हो जाएगा, मतलब 1% पर कम से कम 500-700 रैंक का डिफरेंस होता है, आप समझ लीजिएगा। तो सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है उन बच्चों को जिनकी 96-94% है। मैंने क्या बताया, हमारा कट ऑफ वीडियो थोड़ा कड़ुआ रहेगा, लेकिन ये वीडियो सत्य है कि 100% सही निकलेगा जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे तब। तो जनरल कैटेगरी से अगर आपके हैं
और परसेंटेज आपके इतना पहुंच रहा है तो बीएचयू मेन कैंपस या फिर राजीव गांधी के लिए आप मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं अगर बात करूं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस पड़ेगा, मान लो 98.5% प्लस होगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके बाद मिल सकता है, अगर बात करूं ओबीसी कैंडिडेट की, ओबीसी कैंडिडेट के बीच में अगर आप है तो आप ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 98% आप मान लीजिएगा सेफ स्कोर आपके लिए है। बात करूं मैं एससी कैटेगरी, तो इससे यहाँ आप मान सकते हैं 96% और अगर बात करूं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर आप मान सकते हैं 90%। ये बीएचयू के लिए, बीएचयू या फिर यहाँ कह सकते हैं बीएचयू या फिर मेन कैंपस मान लीजिए या फिर आपका राजीव गांधी जो आपका साउथ कैंपस है जहाँ 50 सीट है उसके लिए, इतना सेफ स्कोर अगर आप आ रहे हैं तीनों मिला करके तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन 100% बीएचयू मेन कैंपस हो सकता है। अब हो सकता है कि आपको मैंने बता दिया ईडब्ल्यूएस आपका 98.5 है, हो सकता है कि 98 पर भी मिल जाए आपको, हो सकता है कि 97.89 पर मिल जाए, 9 पर मिल जाए, तो आपको अगर यहाँ से 1% इधर उधर है तो आप मान सकते हैं कि आपका सिलेक्शन कहीं बीएचयू में हो सकता है। ठीक, ये तो बात होगी बीएचयू इसको लेके। अब मैं बात करता हूँ बीएचयू में मैथ और बायो ग्रुप के लिए, ठीक। चलिए अब बात बाकी आपके परसेंटाइल हिसाब से बगल में आपके मार्क्स भी दे रखे होंगे। और एक बात और बता रहा हूं, अगर आपके देखिए मार्क्स, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 85% अगर आपके मार्क्स आपके होंगे मान लीजिएगा तो आप भी तब भी कह सकते हैं कि आपका परसेंटाइल देखिए यहीं पर गिरेगा करके जितना बताया हूँ, यानी अगर 85% आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं और आपके नंबर वहां पता लिखा सब्जेक्ट में यहाँ पर, ठीक है, मान लो 100 एग्री करते हैं किसी 194 हैं, 198 हैं, इस तरीके से अगर हैं तो आप समझ लीजिए आपका सिलेक्शन यहाँ पर सीओ हो सकता है। मैं अगर बात करूँ बीएससी मैथ और बीएससी बायोग्राफ के बारे में तो इसका लगभग दोनों का बराबर कह सकते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं बीएससी बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप, ठीक है। हालांकि बायो ग्रुप थोड़ी सी कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा रहती है और मैथ थोड़ी कम, चूंकि मैथ थोड़ा सा रहता है कैलकुलेशन पड़ता है, सीटें निश्चित है यहाँ पर तो यहाँ भी थोड़ी सी रहेगी। मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जनरल के बारे में तो जनरल ये आपका बायो ग्रुप का, यहाँ पर मैथ है। जनरल ग्रुप में हम मैं कह सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल 97% तक है अगर आपका, ठीक है, तो आपको ये बायो ग्रुप में एडमिशन आपका हो जाएगा 96 से यहाँ पर कर देते हैं, कई विद्यार्थी तो छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर आप मैथ ग्रुप में अगर आप 94% तक रहें आपके प्लस में तो आपका सिलेक्शन मान लीजिएगा श्योर है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका परसेंटाइल यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन 95% आप सेफ हैं, यहाँ भी आपका 92% तब भी आप जो है मान लीजिएगा सेफ हैं, ठीक, मैथ ग्रुप में। मैं अगर बात करूं ओबीसी की तो ओबीसी में अगर आप मान लीजिएगा यहाँ पर आपका 94% है आपका, अब किसी को हो सकता है 93 है उसका हो जाए, कहेगा सर आप बताए तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर 1% आपके इधर उधर हो रहा तब भी आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप 90% कह सकते हैं कि अगर आप कितना परसेंटाइल है तो आप मैथ ग्रुप से बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद ये एकदम सेफ है एससी, अगर मैं अगर बात करूँ कैंडिडेट की तो एससी के लिए यहाँ पर आपका जो है 90% होगा, ठीक है, और भी कम कह सकते हैं आप, चूंकि ये बीएससी है बच्चे कम होते हैं एससी कैटेगरी वाले तो आप कह सकते हो 85%, और इसमें भी आपका जो है करीब आपका 80% आपका होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट अगर आपका परसेंटाइल में अगर बात करूँ तो यहाँ पर करीब आपका 80% है और यहाँ भी आप कह सकते हो 70% तक आपका सिलेक्शन इस कैटेगरी में हो सकता है, इतना परसेंटाइल है। बाद बाकी परसेंटाइल हिसाब से आप मार्क्स भी देख सकते हैं, ठीक है। अब 94% पर जानते हैं बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं कह सकता हूँ अगर किसी मान लो हो सकता है 90% है आपके तो हो सकता है उसकी जो रैंक होगी ना उसको जो रैंक अलग रैंक नहीं दिया है, अगर परसेंटाइल है तो यूनिवर्सिटी परसेंटाइल बेस पर ही जो है अपना एडमिशन लेगी काउंसिलिंग में, ठीक। आप यकीन करिएगा 94 पर जो पिछले बार जो रैंक आई थी आईसीआर की 94 पर 96 पर परसेंटाइल थी 4500, तो करीब मान लो कम से कम नहीं तो 6 से 7 हजार के आसपास रैंक बनेगी जाकर के, ये समझ लो आईसीआर में अगर बात कर रहा हूँ तो, ठीक। तो कुल मिला के बात यह है कि आप ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर रैंक हमारी बहुत कम बनेंगे, रैंक बहुत ज्यादा बनती है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया स्कोर आपको। अब जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है आपका किसके लिए, विश्व भारती के लिए, ठीक है। अब देखिए एक बात और, अगर आपने एग्जाम दिया है विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए जो है
मैं बात करूं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो इसमें जो कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया वो पीसीएस एग्जाम दिया है, पीसीएस। अब इसमें अगर बात करूं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहां अगर बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, तो यहां पर आपका अगर 96% प्लस है तो आप समझ लो सिलेक्शन आपका श्योर है, 96। अगर बात करो यहां पर ओबीसी के लिए, अब यहां ईडब्ल्यूएस भी है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, केवल 1% यहां पर है, तो आपका 95% हम कह सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, यहां पर ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आप 94% आप सेफ मान लीजिएगा, ठीक, इस यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आप यहां पर एससी कैंडिडेट हैं, तो ये करीब आपका 90% तक आप जाएगा। एसटी कैंडिडेट है, तो ये करीब आपका 85% आपका होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के लिए, ये सेफ है। अगर आप इतना है तो आप 100% मान लो हम विश्व भारती यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब एक यूनिवर्सिटी आपकी नागालैंड यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है ये। इस यूनिवर्सिटी ने क्या बताया, ये कहा कि हम केवल एडमिशन लेंगे, केवल एग्रीकल्चर से एडमिशन लेंगे। अगर आपने एग्रीकल्चर से केवल एग्जाम दिया है, एग्रीकल्चर से केवल, तो भी जैसे सपोज आपने एसीबी से एग्जाम दिया है, ठीक, एसीबी से, और एग्रीकल्चर में आपका परसेंटाइल सबसे बेहतर है, ठीक है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर आप जाने के लिए आपका परसेंटाइल जो है नागालैंड जाने के लिए, अगर आप परसेंटाइल 94% तक आपका आया है, तो इस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। चूंकि ये यूनिवर्सिटी थोड़ी सी अलग है, बिल्कुल वहाँ के रहन सहन भी थोड़ा सा अलग है, वहाँ कल्चर अलग है, तो कई विद्यार्थी जो यूपी का है, बिहार का है, इधर जो राजस्थान एमपी का है, वहाँ पर जाना थोड़ा सा जो है उससे मुश्किल होता है, दूरी भी है और थोड़ी सी वहाँ का खान पीन कल्चर भी अलग है, इसलिए बाद बाकी यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो परसेंटाइल आपका इतना तक है तो आप 100% यहाँ यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं। अब किसी का 97 है, 98 है। अब देखिए बात यह है, मैं अगर कोर्स की बात करूँ, ठीक है, मैंने दो कोर्स छोड़ दिए हैं, बीएचयू में दो कोर्स और हैं जो केवल पीसीएम वाले बच्चे लेंगे। एक आपका कोर्स है बीटेक फूड टेक, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, एक ये कोर्सेस है, यह भी 30 सीट केवल, ठीक। एक आपका कोर्स है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे कोर्सेस हैं। ये वाला कोर्स केवल है ओनली फॉर पीसीएम ग्रुप, ओनली फॉर पीसीएम ग्रुप। तो अगर आप पीसीएम ग्रुप से हैं और परसेंटाइल आपका यहाँ भी आपका 96% आपका प्लस आ रहा है, और बीएससी एग्रीकल्चर आपको अगर नहीं मिल पा रहा, तो आप इस कोर्स में चॉइस कर सकते हैं। वो काउंसलिंग डिपेंड करेगा, काउंसलिंग में आप कौन कौन से कोर्स चॉइस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यही है, जितना परसेंटाइल हमने आपको एग्रीकल्चर बताया वो परसेंटाइल आपका 100% आप जाएगा। आप देख लीजिए ना, मानो जब भी आप काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है, बाद बाकी अगर आपका परसेंटाइल यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा तो बहुत ज्यादा पैनिक होने कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी आपका आईसीए रिजल्ट बाकी है, उसमें हो सकता है आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाए, आएगा भी, क्योंकि इसमें कई सारे पेपर बहुत ही इधर उधर हुए हैं, पेपर ठीक नहीं हुए हैं, कहीं सेंटर पर छीना झपटी हुई है, कहीं जो है नेट चला गया, ये सारी समस्या रही है इस एग्जाम में, सीयूटी में, ठीक है। लेकिन आईसीए एग्जाम अच्छा हुआ है, आप सभी जानते भी हैं, फर्स्ट एग्जाम आपका अच्छा था, ठीक है, 13 सितंबर में जो एबीसी का पेपर था उसमें, ठीक, तो आपका इससे अच्छा स्कोर कहीं आईसीएआर में आएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ विद्यार्थी एमपी पेट एग्जाम देंगे, उस पर ज्यादा फोकस करें एमपी पेट पर, इसके बाद कुछ विद्यार्थी झारखंड एग्जाम देंगे जेसीसी वाला, उस पर अपने फोकस करिए, जो हो सकता है झारखंड वाले विद्यार्थी उनका रिजल्ट आपका आईसीएआर गड़बड़ हो जाए, लेकिन आपका अभी एग्जाम जो है आप उसी को लास्ट एग्जाम मानिए और पूरी ताबड़तोड़ साथ मेहनत करिए, आप सिलेक्शन वहां पर हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।